अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट ब्यूटी पार्क, आप देख रहे हैं कोक्टा फूड्स। व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे जो परोंठे वाले, जो आपको पता है परोंठे जो हैं आजकल आगे जो रोज़े आ रहे हैं, सैड़ी आ रही है, अफ्तारी आ रही है, उसमें परोंठे जो हैं उसका फिर खाने का फिर अपना ही मज़ा है, और ख़ास तौर पर जब परोंठे लाइव बन रहे हो तो फिर उसका टेस्ट अलग ही है। आज हम माशाल्लाह मजंग परोंठा जो जिनकी ये ब्रांच है लाहौर ठोकर नियाज बेक पर, आज हम उनकी ब्रांच पर मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके जो परोंठे इतनी दूर मशहूर हैं कि वो इनमें ये क्या ऐसी चीज़ें डालते हैं कि जो इनका टेस्ट दुबाला हो जाता है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये कौन सा परोंठा बना रहे हैं आप? चिकन चीज़ पराठा। दोबारा बनाएं, ठीक है, आप बनाएं ज़रा। इसमें क्या क्या चीज़ें आप डाल रहे हैं? चीज़ और चिकन है। और इसके साथ और क्या चीज़ें डालेंगे? बस चिकन चीज़। व्यूअर्स, ये चिकन चीज़ पराठा जो ये बन रहा है अभी, ये आपको लाइव जो है ये जब बनेगा वो भी आपको दिखाएंगे। तो आए जरा, ये मेरे अगर कैमरा मैन है तो दिखाएं जरा, ये लाइव बनते हुए क्या बात है। चिकन चीज़ पराठा जो है वो अब जो है वो पकने के मरहल में है, और वो पक रहा है। और आपको ये मैं बताता चलूँ कि ये लाहौर ठोकर नियाज बेग में ये इनकी जो है ब्रांच है, माशाल्लाह मजंग परोठा के नाम से इनकी शॉप जो है वो बड़ी मशहूर है, और इनसे जानते हैं। सर, ऑयल वगैरह कैसा यूज़ करते हैं आप इनमें? सूफी। सूफी जी। तो सर, कितने का ये देते हैं आप परोठा? चिकन चीज 330 का। और आलू वाला? आलू वाला 90 रुपए का। कौन कौन से परोठे आपके पास होते हैं? आलू वाला, दाल वाला, चिकन वाला, किमे वाला, गोभी वाला, साग वाला, मूली वाला, तो चिकन चीज वाला, चॉकलेट वाला, चीनी वाला। इतने टेस्ट जी। और इनके रेट भी बताएंगे आप जरा? रेट आलू वाले के क्या होंगे? चिकन चीज 90 का, चिकन चीज वाला 330 का, अच्छा, मूली वाला 90 का, गोभी वाला 120, दाल वाला भी 120 है, चिकन चीज 330 का है। आगे रोजे आ रहे हैं, सैड़ी इफ्तारी होने वाली है, सैड़ी के टाइम भी आप शॉप खोलेंगे जी, और इफ्तारी के टाइम भी जी? तो क्या पैकेज देंगे, रेट यही होंगे या इनसे मजीद बढ़ने के चांस होंगे? यही होंगे। यही होंगे जी। और दुकान कितने बजे आप ओपन करते हैं? 24 घंटे सर्विस है। 24 घंटे जी, बंद नहीं होती। थैंक यू सो मच जी। और क्या क्या चीज़ें बनेंगी, बन सकेंगे यहाँ? यहाँ चाय भी बनती है। अच्छा, चले व्यूअर्स, अगर आप चाय के भी शौकीन हैं तो यहाँ लाइव चाय बनती है, और तंदूर भी जो है वो। सर, आप चाय बनाते हैं? कितने का कप देते हैं चाय का? 70 का डिस्पोजिबल, 60 का कप में। दूध पत्ती कितने की? दूध पत्ती 60 की। 60 की। और चाय साथी? हाँ जी, अच्छी होती है, एक जैसी चाय देते हैं। ओ चले, थैंक यू सो मच। ये देखिए जरा लाइव तंदूर जो है इस टाइम ये हमारे पास मौजूद है, और हम ये देखें जी, माशाल्लाह सफाई का बिल्कुल इन्होंने एक अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, हेड इन्होंने कवर किए हुए हैं, उन बाकायदगा इन्होंने वर्दी जो है वो पहनी हुई है सफाई के लिहाज से। ये A1 जो है माशाल्लाह मजंग परोंठे वाले की जो इनकी सफाई है, इनका जो खाने पीने का निज़ाम है वो एक नंबर है। तो व्यूअर्स, हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं। ये देखें, ये जो है वो आटा गूंदा जा रहा है परोंठों के लिए, ये भाई इनके पेड़े बना के रखेंगे, और ये पेड़े बनने हैं। सर, ये सादे पेड़े हैं? हाँ जी, सादे रोटी। तो आलू वाले परोंठे के पेड़े दूसरे हैं? हाँ जी। ये सादी रोटियाँ बना रहे हैं? हाँ जी जी। तो व्यूअर्स, ये देखा था आपने कि हमने आपको दिखाए ये परोंठे भी आप, अच्छा ये इधर आए जी। अच्छा, जो लोग रोज़ों में सैड़ी और अफ्तारी करना चाहते हैं, जो मजंग माशाल्लाह मजंग परोंठे का टेस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ लाजमी ठोकर नियाज बेक के ऊपर इनकी जो है ये शॉप मौजूद है, और काफ़ी पुरानी इनकी शॉप है, इनका नाम जो है। अच्छा सर, रसगुल्ले भी है लगाए हुए आपने? ये कितने देते हैं आप गुलाब जामुन? 70 के दो हैं भाई। 70 के दो हैं, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सर, ये क्या है? ये मलाई बोटी है। मलाई बोटी है। सर, ये कितने की प्लेट देंगे आप? ये 300 की दूंगा। 300 की देंगे जी। अच्छा सर, रोजे आगे आ रहे हैं, सैड़ी और इफ्तारी में कोई यहाँ ठोकर नियाज बेक जो आपके खाने वाले कस्टमर्स हैं उनको कोई ऑफर्स भी देना चाहते हैं आप, या कोई ऐसा पैकेज जो उनको रोजों और सैड़ी और इफ्तारी में पैकेज मिल सके? सर, सहरी में यही है कि माशाल्लाह लस्सी मिलेगी, दही मिलेगा, अच्छा। ठीक है ना, देसी गंदम के आटा होता है हमारे पास, घी आप उधर दिखा सकते हैं, वो देखें डेढ़ लगा, सूफी घी इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। मैं घर में भी यही खाता हूँ जो इधर पकाता हूँ, माशाल्लाह जी, ठीक है ना, लोकल चीज़ नहीं इस्तेमाल करते। अब ये मलाई बोटी है, इसकी आप थिकनेस चेक करें जी। ये नहीं लोकल बस दा रहे हैं, ठीक है ना, तो बोनलेस है, ठीक है ना, प्राइस 300 रुपये बहुत नॉर्मल प्राइस है, इतनी प्राइस रखी है। चिकन की प्राइस आजकल बहुत ज्यादा है, बहुत है, तो इतनी प्राइस रखी है। कैसे बारे में आ जाता है ये? नहीं, नॉर्मल बचता है, इसमें ज्यादा नहीं बचता, लेकिन ज्यादा मिकदार में बेचते हैं। ये अचार की क्या? ये 50 का है, ये भी अचार हमने स्पेशल अचार रखा हुआ है जी, ठीक है ना, ये लोकल नहीं है। कस्टमर को बताते हैं हम कि सर जी, हमारे पास लोकल भी है, स्पेशल भी है,
तो जो पैसे खर्चना चाहे वो, अभी ये 50 की डब्बी है, स्पेशल वाला है, और अगर वो सस्ता ये देखें, ये लोकल पड़ा हुआ है, ये वाला ये लोकल है, इसके हम 30 रुपये लगाते हैं कस्टमर को। जो ठोकन याद भी के कस्टमर्स हैं, अगर वो आपसे एक ऑर्डर मंगवाना चाहते हैं बाइकिया पे या किसी भी ऐसी फूड पांडा की, ऑलरेडी ना फूड पांडा पे हैं, ठीक है ना, फूड पांडा पे हम डिलीवरी ऐप पे हैं, आप जरा बताइएगा। फूड पांडा ऐप है और इन ड्राइव पे, वैसे ज्यादातर कुछ लोग इन ड्राइव पे भी करते हैं, 03234560177 ये हमारे रेस्टोरेंट का नंबर है जी। इस पे भी कॉल करके मतलब वो ऑर्डर रेडी करवा के इन ड्राइव पे लड़का भेज के अपना ऑर्डर ले सकते हैं हमसे। वो होम डिलीवरी वो चार्जेस लेंगे जी जी, वो इन ड्राइव हम पैक करके भेज देते हैं, वो हमें फिर इस नंबर पे जैस कैश बना, इसी पैसा बना, ऑनलाइन पेमेंट सेंड कर देते हैं। सब्जियों में क्या क्या चीजें आप देते हैं? सब्जी में भिंडी करेले होते हैं, मिक्स सब्जी होती है, आलू अंडा है, आलू मेथी बनी हुई है। यार ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन है, देसी खाने के बाद कुछ लोग कहते हैं ना मीठा आ जाए, गुलाब जामुन टेस्ट कर सकते हैं आप, करवाते हैं आपको भी, आप भी बताइएगा सर। मैं तीस के हट के जो आप टेस्ट होगा ओरिजिनल बताना है आपने क्या किया। गुलाब जामुन ही खाकर आप खा के आपका टेस्ट बताएंगे। अच्छा ये बताइएगा इसकी सर्विस 24 घंटे लड़का आपको कह रहा है, 24 आवर्स है, ईद को भी होटल खुला होता है, हाँ ईद पे भी। क्या वजह है 24 घंटे कैसे मैनेज करते हैं लेबर को? यार बस हो जाता है माशाल्लाह, 12-12 घंटे ड्यूटी है लड़कों की ना, जिसमें 1-1 घंटा इनका रेस्ट का होता है, खाना वगैरह खाते हैं ये वो। हमारे कोयटा फूड्स के जो फॉलोअर्स हैं 50,000 हमारे फॉलोअर्स हैं इस टाइम। सर हमारे फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं, अगर हमारे फॉलोअर्स आपके पास हमारा नाम लेकर आते हैं, रेट तो आपने बड़ा मुनासिब बताया, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो आएंगे ना आपका नाम लेकर के, हम कोयटा के वीडियो देखिए हम आ रहे हैं, तो जनाब आपको 10% डिस्काउंट है मेरी तरफ से, आपको 10% डिस्काउंट है कोयटा फूड की तरफ से। अच्छा सर सैरी के टाइम आपका मेन्यू यही होगा और सारे के टाइम भी यही मेन्यू? नहीं, मेन्यू में हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, जैसे सफेद चने की डिमांड बहुत ज्यादा होती है कस्टमर की, चाटी लस्सी हम बनाते हैं। ये किस टाइम पे अवेलेबल होगी सैरी के? अफतारी में हम समोसे होते हैं, चाट होती है, दही बल्ले होते हैं हमारे पास, तो अफतारी में फिर रू अफजा भी होता है हमारे पास, तो हम कस्टमर की डिमांड के मतलब जो जो कस्टमर कहता है ना, मतलब कि जो घर में हमें चीजें मुहैया चाहिए ना, हम वो कस्टमर को देते हैं अफतारी में। सर ठोकर नियाज बेग वाले व्यूवर्स आपको अगर देखते हैं, एड्रेस एग्जैक्ट जो है वो जरा उनको जरा मेंशन कीजिए। यार ये ठोकर से तकरीबन 1 किलोमीटर है, रायमल रोड अली टोन स्टेशन ऑरेंज जो मेट्रो स्टेशन है लास्ट स्टॉप है, वहाँ पे आप थोड़ा सा आगे आए तो सामने देखें HBL और सुनहरी बैंक है, इसके बिल्कुल अपोजिट पे है ना माशाल्लाह मजंग पराठा है, आप गूगल मैप पे भी आप सर्च कर सकते हैं। तो अली टाउन है, अली टाउन की डबल रोड है, डबल सड़कें हैं, आप किसी से पूछ लें यार अली टाउन स्टॉप जो है डबल रोड वहाँ पे जाना है, तो कॉर्नर पे हम मेन पे बैठे हुए हम। आप सर कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह ये आपने जो ओपन किया है यहाँ पे? हमें तकरीबन 9 साल हो गए हैं, 10 9 10। हाँ इससे पहले भी ये फूड का काम था? नहीं मैं सऊदी अरब में था, भाई जो है मेरे वो उधर जो मेन ब्रांच है मजांग चुंगी गुरतबा चौक पे है, वहाँ पे किचन में काम एज अ शेफ काम करते थे ये। अभी भी उन जो उनके मेन ओनर है हाजी साहब, हाजी तारक उनका नाम है, उनके साथ अभी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी सलामत है। अभी ये बूटा उन्हीं की वैसे जी 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 जी, ये यूं समझे उन्हीं का बूटा लगा हुआ है यहाँ पे ना, उन्हीं की बाकी आपकी मेहनत है, बाकी अल्लाह पाक का कर्म है आम, बेशक जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह पाक उसको उसका अच्छा चीज। मैं हर किसी को मशवरा दूंगा, अच्छा खाना बेचें, जो आप घर में खाते हैं वही खाना आप अपने बेचें ज़ात, ठीक है ना, और अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालती है, ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया है कि पानी जो है मुझे लोकल भी मिलता है, लेकिन मैं नेस्ले का या एकोफीना हो गया मतलब कंपनी की। ऑयल की कितने का पड़ता है किसान की आपको? ये तो बड़ा महंगा पड़ता है। सूफी बहुत महंगा, सूफी तो बड़ा महंगा, ये 7,500-7,500 का टीन है एक। अच्छा। और लोकल जो है मुझे 6,000 का 5,000 का भी ऑफर बंदे करवा। कहीं ये तो नहीं कि आप दिखाते ये है और कहीं और कोई घी डालते हो? मेरे पास वो खाली टीनों का ढेर लगा हुआ नीचे, और दूसरा मैं मेट्रो से लेता हूँ, मेरे पास रसीदें पड़ी हुई कहते हैं तो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। एक्चुअली हमारा काम होता है प्रॉपरली अपने कस्टमर को दिखाना, गाइड करना। ये मेट्रो की आपको देख रहे हैं जी जी, ठीक है, आप खुद पढ़ भी सकते हैं, तो मतलब कि मैं लोकल नहीं ब्रांड से ही ले रहा हूँ, लोकल बंदों पे एतबार नहीं ना कर सकते कि वो, इसीलिए अल्लाह पाक ने आज ये रौनक लगाई हुई है कि मेला लगाया हुआ है, और अल्लाह पाक आपके इसका काम में बरकत डाले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और इसी तरह आप अच्छी नीयत से इसको अच्छी नीयत से लेके चले। हाँ मैं ये लाइव खा के एक मिनट जरा दिखाना चाहता था, क्योंकि खाना ध्यान से कहीं मुंह जल ना जाए। नहीं नहीं हम राम राम से खाएंगे, क्योंकि आपको पता है हम बांटते हैं तो मीठा तो थोड़ा सा चखेंगे ना, वो तो खाएंगे हम। और चीज भी आपको दिखाता हूँ जी जी, दिखाएंगे ये देखिए, ये बल्ब में चीज रखी हुई है हमने, ये माशाल्लाह कम से कम कोई 2 मन पड़ी हुई है चीज मेरे पास, ठीक है ना। सर किस कंपनी की है ये? चेडर चीज है, अल खैर है, मेड इन पाकिस्तान ही है। अच्छा तो लेकिन बहुत अच्छी चीज है ये ना,
मैं घर में भी अक्सर बच्चों के लिए पिज्जा वगैरह बनाते हैं, मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। रेगुलर आपसे जो कस्टमर डिमांड करता है वो किस पराठे की जो है पराठे की वो डिमांड है? या मेरा ज़्यादा चिकन चीज़ का पराठा और आलू चीज़, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। प्राइस भी बहुत कम है, 190 का पराठा दिखाना। अच्छा सर, ये जो ऑफर है गुलाब जामुन की, ये कैसे आपके जहन में आया? अक्सर लोग तो नहीं ये रखते ये चीज़। ये मैं सऊदी अरब में था, वहाँ पे जब मैं काम करता था ना, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी होटल था, वहाँ पे ना गर्मा गर्म गुलाब जामुन देते थे वो भी। अच्छा, तो मैं बस वहीं से मेरे दिल में आया, अगर अल्लाह ने मेरा मुझे मौका दिया, मैंने अपना होटल बनाया ना, तो मैं भी ये रखूँगा ज़रूर। तो फिर ये हमने रखा, और ये माशाल्लाह शायद ही आपको ऐसे किसी लोकल रेस्टोरेंट पर ये चीज़ आपको मुहैया हो, नहीं मिलेगी, लेकिन मैं रखता हूँ, गर्मा गर्म है तो आपको बड़ा मज़ा है। ये आप खा के बताएंगे तो चम्मच आ ले तो बताएंगे। व्यूअर्स, गुलाब जामुन हम टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे गुलाब जामुन का टेस्ट है, और हम खाने लगे हैं तो फिर आपको खा के बताते हैं कि इंशाल्लाह इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। ये इधर खेल रहा, मैं ये माइक भी पकड़ूँ ना साथ। बिस्मिल्लाह यार, ये तो बड़ा बड़ा वजनी है। व्यूअर्स वाकई इसका टेस्ट जो है। अच्छा सर, इसमें क्या क्या चीज़ें डालते हैं आप? यार इसमें सूखा दूध है, ठीक है, अंडे डालते हैं हम, चीनी डालते हैं, और बाकी कितने का पैकेट देते हैं आप? एक दो का? यार ये 40 का एक है, ठीक है, जितने पीस, लेकिन अगर आपके रेफरेंस से कोई आएगा उसको 70 के दो देंगे, ठीक है, 10 डिस्काउंट दे देंगे उसको। व्यूअर्स मैंने तो अभी गुलाब जामुन खा लिया है, अब आपने जो ठोकर नियाज बेग के जो यहाँ के व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल्स को देखते हैं, उन्होंने भजन नाम मैं आपका बोल गया था, मेरा अली नाम है, अली भाई से जो इनका माशाल्लाह मजंग परोठे के नाम से इनका जो रेस्टोरेंट है, यहाँ से आपने लाजमी टेस्ट करना है, रोज़ा भी और सुबह अफ्तारी भी, सहरी भी आपने करनी है, और रात को जो है अफ्तारी वो भी आपने यहाँ करनी है, क्योंकि इनके रेट इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, और मैंने जितने भी यहाँ सर्च किए हैं सबसे मुनासिब टेस्ट जो है, सबसे मुनासिब जो रेट है वो इनका है, और टेस्ट जो है वो ये मैं खा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वो खाने की वजह से मैं थोड़ा सा भूल गया था, लेकिन मैं ये खाऊंगा दोबारा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अपने हॉस्पिटल को जा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।